नरेंद्र मोदी तुम देश को बताओ कि चीन से आने वाला कोरोना तुम एयरपोर्ट में नहीं रोक पाए और संसद के अंदर तुमने कोरोना नहीं फैलाने दिया, फैलने दिया, वो तुम्हारे पास कौन सी तकनीकी है? एक वोट दबाने के नाम पर 5 वोट भाजपा को जा रहा है। ये जो डर का माहौल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और भाजपाई लोगों के माध्यम से फैलाया गया, इससे भी महागठबंधन के वोटर्स रुके हैं। ये बात भी मैं निसंकोच होकर कहना चाहता हूँ। अरे भाई आप समझ लीजिएगा, एक आपने आपको हराने वालों को पहले कोरोना से डराया, फिर आपने और डराया, एक बटन अगर आपने राजद का दबा दिया तो 5 वोट भाजपा को चला जाएगा। ये क्रोनोलॉजी का दूसरा हिस्सा है। जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जो मंदिर का विरोध करते हैं, मतलब जो अरे बिहार के लोग कह रहे थे कि हम लोग रोजगार के लिए, हम नौकरी के लिए वोट देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। क्या बिहार के लोग इतने बुड़बक लगते हैं आपको कि वो 10 लाख नौकरी देने वाले को हराएंगे? नोटबंदी करके हमारे देश के 3.5 लाख से ज्यादा उद्योगों को चौपट किया और टैक्स पद्धति करके पूरे देश की व्यापारिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार का दावा है वो एक भी आदमी को नौकरी नहीं देगा। इन्होंने संघ परिवार ने एक बात और फैलाई, सबको कहा कोरोना से मर जाओगे और अपने समर्थकों से कहा कोरोना तो एक भय है, अफवाह है, इससे कोई मरते उड़ते नहीं है, सब लोग वोट डालने जाओ। तो कोरोना का भय भी दिखाया, और कहा कि हम दवाई भी देंगे कोरोना की। नहीं नहीं, वो अभी सुनो, सूत ना कपास, बिहार में यूपी में है कहावत, और जुल्हा में लठम लट्ठा। अरे इनके बाप के घर में दवाई रखी है क्या? और वहाँ यामीन अर्दोगान जो राष्ट्रपति की पत्नी है उनसे भेंट करता है तो उसे देशद्रोही कहते हैं। तो क्या 5 जन्य छापेगा कि हमारे देश का राष्ट्रपति देशद्रोही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, हमारे देश में सोनिया देशद्रोही है, जिन्होंने धारा 370 हटाने वाली कमला हैरिस को बधाई दी है। बिहार के पहले चरण के दौरान जो वोटिंग हुआ उसमें महागठबंधन सबसे आगे होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे पोलिंग के दिन जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, और मैं ये मानता हूँ कि उस वीडियो से बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ, वो वैज्ञानिक तौर पर, व्यावहारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर कतई संभव नहीं है कि एक वोट अगर आप राजद के पक्ष में दबाएंगे तो 5 वोट भाजपा को चली जाएंगी, ऐसा किसी भी तकनीकी तौर पर संभव नहीं हो सकता है। और ये वीडियो जानबूझ करके वायरल कराए गए। इसका एक बड़ा नुकसान क्या हुआ, जो महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए जाने वाले थे उनमें से बड़ी संख्या के पास, बड़ी आबादी के पास एक संदेश गया। क्या संदेश गया? संदेश यह गया कि जब हम राजद को वोट देंगे, महागठबंधन को एक वोट देंगे तो 5 वोट भाजपा को चला जाएगा, इसलिए हम एक वोट ना दे करके 5 वोट का भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए मतदाता बाहर नहीं निकला। पूरा देश के अंदर दुनिया जानती है, जब बिहार का चुनाव का शुरुआत हुआ तो ये दावा किया गया था कि महागठबंधन के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। पर जिस तरीके से तेजस्वी ने पहले, अगर आपको ध्यान हो, फरवरी में बेरोजगारी के पक्ष में यात्रा निकाली थी, अगर आपको ध्यान होगा बिहार के कई लोग, बिहार के करोड़ों लोगों को जानकारी है, कोई अचानक बेरोजगारी के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया था तेजस्वी ने, तो बिहार में पहली बार हमको, हमारे लिए खुशी की बात थी, जाति धर्म और मजहब के ऊपर उठ करके बिहार के मतदाता मुख्य मुद्दे पर वोट कर रहे थे। तो एक तो मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ जिन लोगों ने दूसरे पोलिंग के बीच में, दिन में जब पोलिंग हो रहा था तब वीडियो वायरल करा करके डराया है बिहार के मतदाताओं को कि एक वोट राजद को देने पर 5 वोट का फायदा भाजपा को होता है। और दुख और अफसोस की बात है, इसका खंडन महागठबंधन के नेताओं ने पुरजोर ढंग से नहीं किया। एक दूसरा मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दूसरा हम सब लोग निरंतर ये मानते रहे कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये कोई नई बात नहीं है, आपके सामने है, आपने देखा होगा, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा विश्व का शक्तिशाली लोकतंत्र है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, उस लोकतंत्र का हम इसलिए भी सम्मान करते हैं, हमारे देश में सोनिया गांधी जी जब उम्मीदवार के तौर पर स्वयं नहीं थी, उनकी पार्टी और महागठबंधन, उनकी सॉरी यूपीए गठबंधन की तरफ से एक तरीके से जब उनका प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तब भाजपा की नेत्रियों ने यह कहा हम मुंडन करवाएंगे, हम सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, हम एक दिन का भोजन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन 12 जनवरी 2019 को डेमोक्रेटिक पार्टी ने
चौथा उम्मीदवार भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय किया था अमेरिका में, किसी ने नहीं कहा कि हम मुंडन करवाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा कि हम सफेद वस्त्र धारण करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा हीरा गणना में हेराफेरी हो रही है। सौभाग्य की बात है वहाँ ईवीएम नहीं था, अगर वहाँ ईवीएम होता तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से भारत में एनडीए निरंतर लोकसभा और विधानसभा में ईवीएम के माध्यम से घोटाले करके आगे बढ़ता है, तो शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चहेता है वो वहाँ चुनाव जीत जाता। वो चुनाव नहीं जीत पाया, इन्होंने वहाँ पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया, 1,40,000 करोड़ खर्च करके उसके लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिहार के चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर भी लड़े गए, वहां पर भाजपा ने कहा कि हम धारा 370 का विरोध करने वालों के विरोध में है। मैं आपके माध्यम से देश और बिहार के मतदाता कितने बुड़बक हैं क्या, बिहार के मतदाताओं को नहीं समझे? 6 अगस्त 2019 को धारा 370 के खिलाफ बहिष्कार किया था, उसको हटाने का जदयू ने संसद सत्र का बहिष्कार किया था और उसका विरोध किया था। और जिसने विरोध किया धारा 370 को हटाने का, जिसने बहिष्कार किया 6 अगस्त को संसद के सत्र का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में नीतीश जदयू के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्या बिहार के लोगों में, बिहार के मतदाता गरीब हो सकते, इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि आपने लॉकडाउन करके करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनी, लोग पैदल चलते गए, उनके पैरों से खाल निकल आता, लोग मरते गए, महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, लोग बेरोजगारी के लिए घूम रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो एनडीए के बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहीं नोटबंदी के नाम पर, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि नोटबंदी की परसों बरसी हुई है, नोटबंदी के नाम पर कहीं वोट नहीं मांगा। तब भी उन्होंने दावा किया था कि हर एक पूरे देश में काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, है ना, उन्होंने कहा था कि ये सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो कहीं उस पर वोट नहीं मांग रहे। आपने दूसरा भी देखा होगा, उन्होंने हमारे देश की टैक्स पद्धति करके, नोटबंदी करके हमारे देश के 3,50,000 से ज्यादा उद्योगों को चौपट किया और टैक्स पद्धति करके पूरे देश की व्यापारिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, कहीं टैक्स पद्धति को बदलने के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो नरेंद्र मोदी ने और ना लॉकडाउन के नाम पर वोट मांगा, क्या बोले आपने देखा? फिर वोट तो मिला है धोनी भर के। नहीं, मैं बताता हूं, देखिए ये जो आपने कहा, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तीसरे चरण का, टेक्निकली इसमें भारत के चुनाव आयोग का भी मुझे षड्यंत्र लगता है। आपने देखा तीसरे चरण में मोदी क्या बोले? जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जो मंदिर का विरोध करते हैं, मतलब जो अरे बिहार के लोग कह रहे थे कि हम लोग रोजगार के लिए, हम नौकरी के लिए वोट देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा हम 1,00,000 लोगों को नौकरी देंगे, क्या बिहार के लोग इतने बुड़बक लगते हैं आपको कि वो 1,00,000 नौकरी देने वाले को हराएंगे? और नीतीश कुमार ने दावा किया था 19 लाख का वादा भाजपा ने किया, और भाजपा का दूसरा बड़ा वादा है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, और नीतीश कुमार का दावा है वो एक भी आदमी को नौकरी नहीं देगा। तो भाजपा कर सकती है, हम 19 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे, पर हम ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, जो है मैं अभी तक जो गणना हुई है वो लगभग अभी भी 2.25 करोड़ वोटों की और गिनती होनी है। ईवीएम में घोटाला एक बड़ा मामला हो सकता है, आप मानते हैं घोटाला? मैं मानता हूँ ईवीएम में घोटाला। और दूसरा भी जो एक वोट दबाने के नाम पर 5 वोट भाजपा को जा रहा है, ये जो डर का माहौल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और भाजपा ही लोगों के माध्यम से फैलाया गया, इससे भी महागठबंधन के वोटर्स रुके हैं, ये बात भी मैं निसंकोच होकर कहना चाहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आप देखिए ये न केवल ज्यादा जदयू जो 370 का विरोध करने वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको मालूम है, आपको बताऊं, अर्दोगान है राष्ट्रपति तुर्की के, उन्होंने पाकिस्तान में धारा 370 को हटाने का विरोध किया था, और आमिर खान गया अगस्त में, उसके लाल सिंह चड्ढा की फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की जाता है। तो भारत में संघ परिवार जिसकी सरकार है केंद्र में और कई राज्यों में, संघ परिवार का एक मुखपत्र है, उसका नाम है पांच जन्य में हमारे देश के कलाकार आमिर खान को देशद्रोही और दुश्मन देश से हाथ मिलाने वाला बताया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की बेटी है, 22 जनवरी को वो उम्मीदवार बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की, और उसको हराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री संघ परिवार के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी ने उसके विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम कराया, 1,40,000 करोड़ का, हमें नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया 24 फरवरी को भारत में। और तीसरी बात बताता हूँ, इनकी राष्ट्रीयता 3 नवंबर को अभी 2020 को जूनियर डोनाल्ड ट्रंप का बेटा
हमारे देश के जम्मू और कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान में मिलाता है और 4 नवंबर से भारत में मोहन भागवत संघ परिवार के इशारे पर भाजपा के तमाम जो उनके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा, इनके संगठन हर जगह देश भर में वो करते हवन करते हैं। हाउडी मोदी से नहीं जिता पाए ये, नमस्ते ट्रंप से नहीं जिता पाए, तो इन्होंने हमारे भगवानों की इज्जत दांव पे लगा दी। और किसको हराने के लिए? हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस, और कमला हैरिस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। तो कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर हमारे देश के राष्ट्रपति गोविंद जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे देश की सोनिया जी ने भी कमला हैरिस को बधाई दी। जो बाइडन ने NRC और CAA का विरोध किया, तो अगर तुर्की का राष्ट्रपति 370 को हटाने का विरोध करता है और आमिर खान वहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाता है और वहाँ यामीन अर्दोगान जो राष्ट्रपति की पत्नी है उनसे भेंट करता है तो उसे देशद्रोही कहते हैं, तो क्या 5 जन्य छापेगा कि हमारे देश का राष्ट्रपति देशद्रोही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, हमारे देश में सोनिया देशद्रोही है, जिन्होंने धारा 370 हटाने वाली कमला हैरिस को बधाई दी है। अब बिहार चुनाव के लिए बताइए, आपने बताया हाँ। एक तो EVM में गड़बड़ी बताई, एक आपने बताया कि जो वोटर है उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किया गया, क्या दो रीजन है इससे और भी बड़ा कोई रीजन आपको दिखाई दे? दो रीजन सबसे बड़े है, दो महत्वपूर्ण रीजन हमारे सामने, क्योंकि बिहार का मतदाता, बिहार के जागरूक लोगों को मालूम है कि हमारे देश के लोगों की रोजी रोटी छीनने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश में 569 मामले थे कोरोना के, उस दिन रेल और बस सेवा छीनने वाला नरेंद्र मोदी, करोड़ों लोगों को पैदल चलवा करके मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश की विकास दर को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश के सैनिकों को निहत्थे चीन से मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश में एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी जो 83 लाख करोड़ रुपए डकार चुका है, हजम कर चुका है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन है, उसको आतंकी खतरा है। और आपको पता है हमारे यहाँ पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि जवानों पर हमला होगा, उस रिपोर्ट को खारिज करके जवानों को मरवाने वाला पुलवामा में नरेंद्र मोदी, हमारे देश में, हमारे देश के अंदर पिक एंड चूज 370 का विरोध संसद के अंदर करने वाला, बहिष्कार करने वाला, जदयू का नेता को मुख्यमंत्री बनाने वाला नरेंद्र मोदी, और आमिर खान जो गया यहां से तुर्की अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए और तुर्की के राष्ट्रपति ने विरोध किया 370 का, उसको राष्ट्रद्रोही बताने वाला संघ परिवार का 5 जन्य, तो ये खेल आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।